हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये जैकेट बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 5 ईयर के लिए बनाए हैं। आप चाहें तो कोई और भी साइज़ बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का। तो देखिए, यहाँ मैं जो स्वेटर बना रही हूँ उसके लिए मैंने 3.50 mm का क्रोशिया लिया है और ये 4-ply यार्न ली है। तो ये 4 ईयर के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 110 चेंस बनाई हैं, जो अगर आप इंचेस में नापेंगे तो वो 24 inches की हो रही हैं। तो अगर आपको कोई और साइज़ बनाना है तो आपको क्या करना है, पूरी चेस्ट नापनी है राउंड में और उसके बराबर आपको चेंस बना लेनी है। अगर 5 ईयर के लिए बना रहे हैं तो आप उसकी पूरी चेस्ट नाप लीजिए और जितनी उसकी चेस्ट हो रही है पूरी, उतनी आप चेंस बना लीजिए। और चेंस होनी चाहिए 2 के मल्टीपल ही लीजिएगा, बहुत इजी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको चेस्ट नापनी है, चेंस बनानी है, चेंस होनी चाहिए 2 के मल्टीपल, या आप जैसे जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 2 का मल्टीपल वो होता है जो 2 से डिवाइड होने वाली चेंस। अब देखिए, जितनी भी बना लेंगे, यहाँ पर मैंने 110 चेंस बनाई हैं, तो इसके अलावा देखिए हम एक चेन और बनाएंगे। और देखिए, ये जो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाली जो चेन है इसको छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली है इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। जो चेन 1 है उसको हम स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट हमारा स्टिच ये है, लास्ट में आएंगे तो इन दोनों के बीच में स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ से हम हर एक एक स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को मैं पूरा लास्ट तक बना लेती हूँ, सिंपल है, लेकिन मैं आपको 1-2 रो बता देती हूँ जिससे आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। और लास्ट तक इस रो को बना लूँगी, फिर मैं आपको 1 रो और बताऊँगी, फिर हमें आर्म होल तक सेम वैसे ही बनाना है। तो ये देखिए, फर्स्ट रो हमने बना ली। अब देखिए सेकेंड रो बनाएंगे। सेकेंड रो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और इस तरीके से इसको पलट लेंगे। तो जो चैन 1 है वो हमारा स्टिच नहीं है, जस्ट फर्स्ट वाले स्टिच में ही आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, चैन 1 को स्टिच नहीं काउंट करेंगे। अब यहाँ से फिर से हर एक स्टिच में 1-1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फिर यही रो हमें हाफ डबल क्रोशिया की रो ही बनानी है, दोनों तरफ से कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो ये देखिए, जो लास्ट वाला स्टिच बनेगा, जो ये हमने फर्स्ट चैन 1 बनाई थी और फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इन दोनों के बीच में बनेगा। तो इसी तरीके से हम आगे की जो रो होंगी वो इसी तरीके से बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में ही 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जब लास्ट में आएंगे तो इन दोनों के बीच में स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ इन रो को बना लेंगे, ठीक है। अगर आप कोई और साइज़ बना रहे हैं तो आपको आर्म होल में फिक्स नहीं लेना, आर्म होल से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, हाफ स्वेटर है तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, ठीक है, आप आर्म होल से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये पूरा बना लिया है। यहाँ पे मैंने टोटल 27 हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाई हैं और ये जो अगर आप नापेंगे तो 8.5 inches हो रहा है, थोड़ा जब हम बाद में आएंगे तो नीचे बॉर्डर बनाएंगे तो 8.5 inches हो रहा है। अब देखिए, हम आगे का फ्रंट का हिस्सा अलग करेंगे, पीछे का अलग बनाएंगे और दोनों फ्रंट अलग अलग बनाएंगे और पीछे का अलग बनाएंगे। तो इसके लिए पहले सबसे पहले हम स्टिच मार्क करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास टोटल 110 स्टिच थे। तो देखिए, 27 मैंने यहाँ मार्क किया हुआ इस तरफ, 27 स्टिच वाला मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है और 54 देखिए, सिर्फ एक स्टिच हमने बीच में यहाँ गैप दिया है और पीछे की तरफ 54 रखे हुए हैं। तो जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टिच था वो हमने यहाँ पीछे की बीच में रख दिया, उसको बीच में छोड़ दिया है, ठीक है। तो 27 इस तरफ रखें, 27 इस तरफ रखें और 54 पीछे की तरफ रखें। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट दोनों अलग अलग बनाएंगे, फिर बैक पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, ये अब हम 28 रो वाली बना रहे हैं, गले की तरफ से है, लेकिन अभी गले में पहले हम आर्म होल घटाएंगे फिर गले घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने चैन 1 बनाया और इस तरफ पलट जाएंगे और फर्स्ट वाली स्टिच में ही 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से हम 2 स्टिच रह जाएंगे जब तक कि आर्म होल तक। यहाँ से हम 25 की टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 स्टिच बना लेंगे
ठीक है, 27 और 26 को हमको डिक्रीज करना है आर्म होल के लिए। ठीक है, अब ये 26 और 27 वाला स्टिच है, इन दोनों को एक कर देंगे, ये 26 वाला और ये 27। अब देखिए चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे, और देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टिच है चैन वन यहीं पे, लेकिन हम इसमें स्टिच नहीं बना रहे, इसमें बना रहे हैं, इससे हमारा एक स्टिच और कम हो जाएगा। यहाँ से एक हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले स्टिच में बना देंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए आर्म होल की तरफ आ जाए, ओ सॉरी नेक की तरफ आ जाएंगे। तो ये लास्ट तक हमने यहाँ से दो रो में स्टिच घटा दिए, ये गले की तरफ आ गए, चैन वन बनाएंगे। अब देखिए हम इसमें स्टिच घटाएंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब गले के लिए स्टिच घटाएंगे, अब देखिए चैन वन हमने बनाई, ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, तो हम इसमें स्टिच नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। हमने फर्स्ट वाला चैन वन से स्टार्ट किया है तो इसमें स्टिच नहीं बनाया, सेकंड वाले में बनाया तो ये हमारा एक स्टिच कम हो गया। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए आर्म होल की तरफ आ जाएंगे। अब आर्म होल पे स्टिच नहीं घटाएंगे, तो मैं आर्म होल की तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए ये लास्ट वाला स्टिच हमारा यहाँ है, ये हमने चैन वन बनाई थी और फिर ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, तो ये चैन वन और ये जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया ये मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, नहीं का तो आपको इस रो में भी एक स्टिच कम हो जाएगा। ये देखिए एक स्टिच हम ये यहाँ बनाएंगे, ये लास्ट स्टिच है हमारा। ठीक है, यहाँ पे स्टिच बनाना है चैन वन से कि जस्ट बाद, ठीक है, ये नहीं तो स्टिच कम हो जाएगा। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए स्टिच नहीं घटाएंगे, चैन वन बनाएंगे, इस तरफ पलटेंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए गले की तरफ आ जाएंगे, वहाँ पे हमें स्टिच घटाना है। स्टिच किस तरीके से घटाना है ये बताऊँगी मैं आपको। तो देखिए जब हम गले की तरफ दूसरी रो बनाते हुए आए हैं, तो हमने यहाँ ये चैन वन है और ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है, तो एक स्टिच हमारा इसमें घट गया था। अब ये जो हाफ डबल क्रोशिया इसमें हम स्टिच नहीं बनाएंगे, और यहाँ तक बनाया हमने स्टिच, फिर से चैन वन बनाएंगे और वापस टर्न हो जाएंगे। तो हर रो में एक स्टिच घटा रहे हैं हम, ये देखिए यहाँ पे। अब ये जो चैन यहाँ हमने चैन वन बनाई, फर्स्ट वाले स्टिच में स्टिच नहीं घटाएंगे, सेकंड वाले स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये अपने आप स्टिच घट जाएगा और ये वी शेप आने लगेगा। ठीक है, और लास्ट में आएंगे तो हमें यहाँ स्टिच नहीं बनाना, बस ये वाला स्टिच छोड़ना है। एक बार और मैं आपको बता दूँगी, हाफ डबल क्रोशिया और जब चैन वन बनाते हैं स्टार्टिंग में, जैसे हमने चैन वन बनाई और नेक्स्ट वाले स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तो जो स्टिच है लास्ट वाला वो बिल्कुल भी नहीं दिखता, क्योंकि लास्ट स्टिच होगा जो हमारा चैन वन और हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो स्टिच होगा, बीच में एक स्टिच बनेगा, वो हमारा स्टिच होता है। और ये अगर इस तरीके से बनाते हैं तो दिखता नहीं है, तो आप मार्क कर लीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आर्म होल पे तो हमें कोई स्टिच घटाना नहीं है, लास्ट तक एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ तक ये जो लास्ट स्टिच है वो चैन वन और जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है इन दोनों के बीच में बनाएंगे। फिर से देखिए चैन वन बनाएंगे, पलट लेंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और गले की तरफ आ जाएंगे। एक बार और बताऊंगी मैं आपको, फिर आप वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए ये आ गए यहाँ पे हमने, तो ये देखिए एक स्टिच हमारा ये है, एक स्टिच ये है और ये चैन वन है। तो अगर आप लास्ट वाला स्टिच तक बनाना है तो आपको यहाँ तक भी बनाना पड़ेगा, तब इसमें स्टिच करने है। तो हमने क्या किया है, ये चैन वन और ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया को छोड़ दिया है, और जो सेकेंड वाला है यहाँ तक हमने बनाया है, तो इस रो में भी एक स्टिच कम हुआ है। अब इसी तरीके से पूरा लास्ट तक बना लेंगे। मैं बना लेती हूँ, फिर मैं बताऊँगी आपको मैंने कितनी रो बनाई है। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने बना लिया है, और ये आर्म होल में दो ही रो घटाई, और ये हमने यहाँ तक लास्ट तक घटाई है।
यहाँ पे मैंने टोटल 18 रो बनाई हैं, ठीक है। तो आप आर्म होल के हिसाब से भी बना सकते हैं, आपको कम रखना है ज़्यादा रखना है। अब देखिए दूसरा फ्रंट बनाएंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, आर्म होल की तरफ गले की तरफ से ही शुरू करेंगे, जिससे हमारा सेम आए, ठीक है। गले की तरफ से लगाएंगे, यहाँ से धागा लगाएंगे, नहीं तो क्या होता है कि स्टिचेस में थोड़ा कम ज़्यादा समझ में नहीं आते किस तरीके से लेने हैं, तो प्रॉब्लम आती है, फिर कहीं कम हो सकता है या आपके ज़्यादा स्टिच बच सकते हैं। चैन वन बनाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए 25 स्टिच बना लेंगे, ठीक है। तो मैं आर्म होल की तरफ आ जाती हूँ। अभी देखिए 26 और ये 27 वाले स्टिच को एक कर देंगे, ये 26 और ये 27 स्टिच, इन दोनों को एक कर देंगे। चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इसको मार्क कर लेंगे, लास्ट वाला स्टिच हमारा यहाँ बनना है, यहाँ बनेगा लास्ट वाला स्टिच जब वापस आएंगे। अब हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए गले की तरफ आ जाती हूँ। तो ये देखिए हमने गले की तरफ सारे लास्ट तक स्टिच बना लिए। अब देखिए अब घटाना शुरू करेंगे, चैन वन बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे और ये वाला स्टिच छोड़ देंगे, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं आर्म होल की तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए ये जो लास्ट स्टिच है हमारा हाफ डबल क्रोशिया का, ये यहाँ बनेगा आर्म होल का, ठीक है, यहाँ जस्ट चैन वन से पहले, क्योंकि ये हमारा लास्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया है, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे और जैसे हम बना रहे थे यहाँ तक स्टिच बनाने हैं, यहाँ तक बनाएंगे, जैसे हमने उस तरफ बनाया सेम ऐसे ही इसी तरफ बना लेंगे। तो इसमें भी इतनी ही रो बनानी है जितनी हमने इसमें बनाई है। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बैक पार्ट बताऊँगी किस तरीके से बनेगा। तो हमने फ्रंट के देखिए ये दोनों वाले पार्ट बना लिए हैं, अब बैक पार्ट बनाएंगे। ये बीच का एक स्टिच छोड़ेंगे हम यहाँ से, ये बीच का स्टिच हमने छोड़ा है और उसके जस्ट बाद से लगाएंगे, दोनों तरफ एक एक स्टिच छोड़े हैं बीच में। अब देखिए दो ही रो में स्टिच घटाएंगे क्योंकि हमने आगे के जो पार्ट बनाए हैं उसमें भी दो ही रो में स्टिच घटाए हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से घटाएंगे, ये वन, ये हमने स्टिच इसमें से लिया और एक इसमें से लिया और इन दोनों को एक कर दिया। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे दूसरी तरफ आर्म होल के, ठीक है, बैक पार्ट के दूसरी तरफ। तो ये देखिए ये बीच वाला स्टिच है हमारा यहाँ पे, अब ये और जो दो स्टिच है इन दोनों को एक कर देंगे। चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट स्टिच है, इसमें नहीं बना रहे, इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो एक स्टिच हमारा यहाँ घट जाएगा और जो लास्ट स्टिच आके बनाएंगे हम यहाँ बनाएंगे, आएंगे तो लास्ट वाला स्टिच यहाँ बनेगा चैन वन के जस्ट बाद। अब यहाँ से हर एक स्टिच बनाते हुए दूसरी तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये हमने ये दो स्टिच को एक किया था, तो एक स्टिच हमारा ये है, एक स्टिच ये है, दो स्टिच को एक किया था, ये लास्ट वाला स्टिच है और एक स्टिच यहाँ है, तो यहाँ तक स्टिच बनाएंगे इस वाले स्टिच में, लास्ट वाले स्टिच में स्टिच नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें कोई स्टिच नहीं घटाना, चैन वन बनाएंगे
और इस तरफ पलट जाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन वन स्टिच नहीं है, अब हर एक स्टिच में स्टिच बनाते हुए दूसरी तरफ आ जाएंगे, दूसरे आर्म होल की तरफ, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट वाला स्टिच हमारा यहाँ बनेगा, ये यहाँ पे चैन वन के जस्ट पहले। अब यहाँ से हमें कोई स्टिच नहीं घटाना, चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलटेंगे और हर एक स्टिच में पहले सबसे पहले वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, तो टोटल 18 रो बना लेंगे जितनी हमने फ्रंट में बनाई है, ठीक है। तो मैं इनको बना लेती हूँ फिर आगे बनाएंगे। अब देखिए ये मैंने बैक पार्ट भी बना लिया है, इसके बराबर रो बनाई है फ्रंट और बैक। अब इनको हम यहाँ कंधों पे से सिल लेंगे बराबर स्टिच से, ठीक है। इसको सिलने के बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे इसका। तो देखिए ये मैंने कंधे पे से सिल लिया है। अब देखिए हम जो वाइट कलर में इसमें रो बनाऊंगी तो पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा गले पे से बनाते हुए पूरा राउंड में नीचे यहाँ से, और फिर वापस यहाँ आएंगे और फिर वापस स्टार्ट करेंगे और फिर पूरा राउंड में घुमाते हुए वापस यहाँ आएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ से बनाते हुए नेक से पूरा यहाँ इसमें बनाएंगे, फिर आर्म होल में अलग से बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से हम ये जो यार्न है इसको लगाएंगे यहाँ से, चैन वन बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच के हिसाब से बहुत ज़्यादा दूर नहीं बनाने हैं, बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाने हैं, एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए पूरा गले की तरफ आ जाती हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए ये नेक का हिस्सा है, यहाँ पे भी हमें ऐसे ही बनाना है, सिर्फ शेप के हिसाब से हमें चलते जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बस ज़्यादा स्टिच यहाँ कॉर्नर पे मत बना दीजिएगा, नहीं तो ये फैल जाएगा, ये वाला जो कॉर्नर है जहाँ से हमारा गला शुरू हो रहा है। और यहाँ से आपको हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच ही बनाना है और गले पे थोड़ा सा टाइट, बहुत हल्का सा टाइट लीजिएगा, नहीं तो ये गला फैलेगा, ठीक है। फर्स्ट रो में आपको थोड़ा सा टाइट लीजिएगा गले पर, नहीं तो ये गला फैल जाएगा। फिर सेकेंड रो से तो आपको नॉर्मल तरीके से ही बनाना है। तो यहाँ से पूरा राउंड में बनाते हुए मैं यहाँ पे और थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जोड़ है जहाँ पे, तो ये देखिए जॉइंट है यहाँ पे भी, देखिए इस तरीके से, और थोड़ा सा यहाँ पे और ज़्यादा टाइट लेने की ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ पे भी फैलेगा, ठीक है। और स्टिचेस का आप ध्यान रखिएगा, बराबर दूरी पर स्टिच बना रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जॉइंट है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको टाइट बना देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए पूरा राउंड में बनाते हुए हम वापस वहीं आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो मैं पहले सेकंड कॉर्नर पे आ जाती हूँ, इस कॉर्नर पे, ठीक है, यहाँ आ जाती हूँ। तो ये देखिए सेकंड वाले कॉर्नर का लास्ट वाला स्टिच है, तो देखिए इस पर क्या करना है, हमें दो सिंगल स्टिच बनाने हैं, वन और टू, ठीक है। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये देखिए ये कॉर्नर पे आ गए, हमने यहाँ पे चैन वन और फर्स्ट वन सिंगल स्टिच बनाया था उसमें। अब देखिए यहाँ पे हम ये जो चैन वन है इसके और इसके बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए लास्ट में हम वहीं आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हमने चैन वन और फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था, इन दोनों के बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, चैन वन बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच और बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए राउंड में हम वापस यहीं आ जाएंगे। इस रो में हमें सिर्फ हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है, अगले वाले में हम बटन होल के लिए स्पेस बनाएंगे। तो ये देखिए सेकेंड वाली रो के लास्ट में आ गए। अब यहाँ पर हम ये जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट सिंगल स्टिच है इन दोनों के बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, चैन वन बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब इस रो में हम यहाँ पे बटन होल के लिए स्पेस देंगे, तो जहाँ जहाँ भी आपको बटन लगाने हैं वहाँ पे मार्क कर लीजिए,
ये देखिए मैंने एक यहाँ मार्क कर रखा है, बताती हूँ मैं आपको बटन होल किस तरीके से बनेंगे। देखिए जहाँ जहाँ आपको बराबर दूरी पे बटन होल के लिए आप स्पेस कर लीजिए, और जहाँ बटन होल लगाने बनाने हैं वहाँ पे देखिए हम दो स्टिच, अगर आपको बड़ा बटन है तो आप थ्री स्टिच का गैप छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे दो स्टिच का ही गैप छोड़ रही हूँ। तो हमने दो स्टिच का गैप छोड़ा, चैन टू बनाएंगे, वन टू, और यहाँ से वन टू स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले में सिंगल स्टिच बनाते हैं। ये बटन होल का स्पेस हो गया, तो हर जगह आपको जहाँ भी बटन लगाना है वहाँ पे ऐसा ही करना है, ठीक है। तो देखिए ये थर्ड रो है, इसमें हमारा थोड़ा सा गला फैला हुआ लग रहा है मुझे यहाँ पे, आप इस अगर मैं थर्ड रो में कर रही हूँ मुझे अभी थोड़ा लगा, अगर आपको आप चाहें तो आप सेकंड रो में भी आप कहीं पे स्टिच घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो स्टिच दोनों तरफ दो दो स्टिच घटाएँगे, जिससे ये जो गला फैल रहा है वो फैलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बीच के फोर स्टिच हैं, तो इनमें से हम ये एक वन टू इसको एक कर देंगे, और ये वन और ये टू इनको एक कर देंगे। ऐसे ही हमें यहाँ भी करना है दूसरी तरफ भी, ठीक है। बीच के फोर स्टिच को दो को एक कर देंगे और पूरा राउंड में बनाते हुए वापस मैं यहीं कॉर्नर पे आ जाती हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये देखिए थर्ड रो हमने पूरी कर ली है, स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया। अगर आपके कॉर्नर थोड़े खिंचे हुए आ रहे हैं तो एक जैसे हमने फर्स्ट वाली में दो सिंगल स्टिच बनाए थे, यहाँ पे भी दो सिंगल स्टिच बना लीजिए, और फिर थर्ड सेकंड वाली को ऐसे रहने, थर्ड वाले में फिर से दो सिंगल स्टिच कोने वाले स्टिच पे बना लेंगे, तो ये आपका जो कॉर्नर है वो इकट्ठा नहीं होगा। अब देखिए फोर्थ रो बनाएंगे, ये लास्ट रो है, ये फर्स्ट वाले स्टिच में ही सिंगल स्टिच बनाया, और वैसे अगर आप कॉर्नर पर थोड़ा सा हल्के हाथ से बनाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा स्टिच बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, और देखिए बटन होल पे हमें क्या करना है, जो हमने चैन टू बनाई थी बटन होल के लिए, तो दोनों में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, चैन टू के हिसाब से दो सिंगल स्टिच बना देंगे। आ जाती हूँ बटन होल पे, ये लास्ट रो है, इसके बाद आर्म होल बनाएंगे। ये जो चैन टू का स्पेस हमने आर्म बटन होल के लिया था, इसमें दो सिंगल स्टिच बनाएंगे, वन टू, और फिर यहाँ से एक एक सिंगल स्टिच बनाना शुरू करेंगे। तो हर बटन होल पे एक एक दो सिंगल स्टिच की दो सिंगल स्टिच बना देंगे, तो ये बटन होल इस तरीके से आ जाएंगे। अब पूरा बना के मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद फिर हम आर्म होल बनाएंगे। तो ये देखिए बटन की तो हमारी बन गई, ये वाला बॉर्डर बन गया है। अब देखिए हम आर्म होल बनाएंगे, तो आर्म होल में आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ से बीच वाले जो चैन है, बीच वाला स्टिच है, यहाँ से हम यार्न लगाएंगे और थ्री सिंगल स्टिच की रो बनानी है यहाँ पे। चैन वन बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, और जो ये हम बनाएंगे रो, इसको थोड़ा सा हमें टाइट बनाना है और बराबर दूरी पे एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पास इसमें आपको नहीं बनाना है, नहीं तो ये ढीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे और थोड़ा सा टाइट लेके, तो आर्म होल थोड़ा ढीला लगेगा। राउंड में पूरा बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो ये देखिए ये हर एक स्टिच में इस तरीके से सिंगल स्टिच की रो बना ली। अब जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट सिंगल स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन वन बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर एक रो और बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पे हमें थ्री रोज बनानी है, ठीक है। तो मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए अब हम इसके लिए पॉकेट बनाएंगे, आपको लगानी है तो लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 15 चैन बनाई थी और फर्स्ट वाली चैन छोड़ के 14 हाफ डबल क्रोशे की रो बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 रो बनाई है। अब यहाँ से देखिए हम पूरे में एक सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे, एक या दो, चैन वन बनाया और देखिए यहाँ पे हमने ये रो यहाँ पे ख़त्म की थी,
इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म की थी। अब एक सिंगल स्टिच की रो इसके थ्री तरफ बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और यहाँ से एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए बराबर दूरी पे इससे इसमें फिनिशिंग आ जाएगी सिंगल स्टिच की रोज से। और आप सिलेंगे तो दिखेगा भी नहीं अलग से। अब देखिए ये जो कॉर्नर वाला स्टिच है इस पर दो सिंगल स्टिच बनाएंगे, वन टू। अब यहाँ से फिर से हर एक स्पेस में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और इस तरीके से इस कॉर्नर पे भी दो सिंगल स्टिच बनाएंगे और बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये थ्री तरफ मैंने इसकी ये सिंगल स्टिच की रो बनानी है। ये हमारी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे हमने ये वाली रो नहीं बनाई है। यहाँ पे वाइट कलर की रो बनाएंगे एक या दो सिंगल स्टिच की। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से धागा लगाएंगे, चैन वन बनाएंगे, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए ये फ्रंट ऊपर की तरफ सिर्फ यहाँ पे हम दो सिंगल स्टिच की रो बना लेंगे या एक ही बना लेंगे। ये देखिए या तो आप एक बनाएं या तीन रो बनाएं, यहाँ पे मैं तीन रो बनाऊंगी। ठीक है, तो ये हमने वन बनाई, ज़्यादा टाइट नहीं लेना नहीं तो ये पॉकेट छोटी हो जाएगी। चैन वन बनाएंगे, इस तरफ पलटेंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर वहाँ से पलटेंगे और वहाँ से एक सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। ठीक है, तो ये तीन रो बनानी है यहाँ पर। देखिए ये मैंने यहाँ पर ये पॉकेट बना ली है। अब इसको यहाँ से हम पूरे चारों तरफ बाहर की अंदर की तरफ से सिलेंगे। वैसे तो ये बाहर भी दिखेगा थोड़ा सा, लेकिन ये पिंक कलर से सिल देंगे इसको चारों तरफ से। आप चाहे तो दोनों तरफ लगा सकते हैं, चाहे तो एक तरफ लगा सकते हैं। तो मैं इसको पूरा बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि बनकर कैसे लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा बना लिया है। थोड़ी सी इसकी जेब गलत जगह लग गई और देखिए ये बटन पट्टी आ गई, एक के ऊपर एक आ रही हैं। एक जगह हम बटन लगा लेंगे, इसमें हमने बटन होल बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।